जय हिंद, स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, बीआरओ ग्रिफ की तरफ से आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है। ये जो आपकी अपडेट है वो है आपके ADBT नंबर 03/2022 के बारे में। यहाँ पर आपकी दो अपडेट हैं कि जो आपके टोटल वैकेंसी हैं, एक तो वो आपकी इंक्रीज हो चुकी हैं, सेकेंड यहाँ पर जो आपके फॉर्म हैं वो अब दोबारा से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो किसके लिए क्या यहाँ पर तोहफा है बीआरओ ग्रिफ की तरफ से, क्या आपकी अपडेट है ऑफिशियल नोटिस के साथ, चलिए सारी बातें डिस्कस करते हैं। यह है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आपका आउट किया गया है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिशियन, जो कि आपकी पोस्ट आउट की गई है इस ADBT के अंडर। यहाँ पर ज़रा आप नीचे देखिएगा और नीचे आने पर आपको बताया गया है कि जो आपकी टोटल वैकेंसी पहले आउट की गई थी वो थी आपकी 30 वैकेंसी, लेकिन अब ये जो आपकी वैकेंसी हैं वो 30 से बढ़ाकर आपकी 3 गुना कर दी गई हैं। टोटल यहाँ पर 91 आपकी वैकेंसी हो चुकी हैं। पहले यूआर की कोई भी वैकेंसी नहीं थी, लेकिन अब यूआर के टोटल यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट के लिए 17 वैकेंसी हैं। जो SC की वैकेंसी है वो 7 से बढ़ाकर 19 कर दी गई है। ST की वैकेंसी डबल कर दी गई है, 4 से बढ़ाकर आपकी 8 वैकेंसी। इसके बाद यहाँ पर OBC के लिए 16 से बढ़ाकर वैकेंसी 37 कर दी गई है और EWS की 3 से बढ़ाकर वैकेंसी आपकी जो हो टोटल है 10 कर दी गई हैं। तो टोटल आपकी 91 वैकेंसी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर जिन बच्चों ने पहले फॉर्म अप्लाई नहीं किया वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सभी नहीं कर सकते। फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है तो ज़रा आप नीचे देखिएगा और नीचे आने पर आपको बताया गया है कि जो UR कैटेगरी के बच्चे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ UR कैटेगरी वाले वही अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म कब तक अप्लाई कर सकते हैं तो इस नोटिस के आउट होने के 30 दिन बाद तक फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म को अप्लाई करने की इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ UR कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, वो आपके रहने वाली है 2 मार्च 2023। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 2 मार्च 2023 तक जो फॉर्म है वो आप अप्लाई कर पाएंगे। अब मैं एक बात और रिपीट करता हूँ कि जिन बच्चों ने पहले फॉर्म अप्लाई नहीं किया, बाई चांस मान लीजिए आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC, ST, OBC या फिर EWS, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो आपको अप्लाई करना होगा UR कैटेगरी में। जितने आपकी कंडीशन है जैसे कि एज लिमिट की, वो भी आपको जो है फुलफिल करनी होंगी जो कि UR कैटेगरी के लिए मांगी गई हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा जो पहला तोहफा है वैकेंसी इंक्रीज का सभी के लिए है, दूसरा तोहफा UR कैटेगरी वाले बच्चे फिर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं पहले फॉर्म अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं UR कैटेगरी में। अब जो तीसरा सबसे बड़ा तोहफा है वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पहले फॉर्म अप्लाई कर दिया था और अब इंतज़ार कर रहे थे एडमिट कार्ड का। तो आपके लिए तोहफा ये है कि आपको और टाइम मिल गया है अपनी तैयारी के लिए, यानी कि जो अपनी तैयारी है वो आप और भी बेहतर बना सकते हैं। सीधा सा 1 महीना तो आपको ये है फॉर्म अप्लाई करने का, और फॉर्म अप्लाई करने के बाद लगभग 1 महीने के आसपास भी टाइम आपको और मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके 2 से 3 तोहफे हैं, इनको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से फॉलो कीजिएगा और अपनी तैयारी है उसको बेहतर कीजिएगा। अब यहाँ पर जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उनको बता देते हैं कि इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट के लिए सबसे पहले तो आपको 10वीं पास होना चाहिए, और 10वीं पास होने के साथ साथ जो IT की सर्टिफिकेट है किस ट्रेड में, ऑटो इलेक्ट्रिशियन में, वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। और इन दोनों के साथ आपके पास इलेक्ट्रिशियन के तौर पर जो 1 साल का एक्सपीरियंस है वो भी होना चाहिए, तभी यहाँ पर जो फॉर्म है वो आप अप्लाई कर पाएंगे। और जो बच्चे इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो आपका एग्जाम पैटर्न है इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। आपके पेपर में टोटल 2 सेक्शन आने वाले हैं, एक तो आपका इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड का सेक्शन, दूसरा आपका GK का सेक्शन। सिर्फ आपका जो पूरा फोकस है वो होना चाहिए ट्रेड के ऊपर, GK बिल्कुल आपकी नॉर्मल पूछी जाएगी।
ओके तो यहाँ पर आपका जो ट्रेड का सेक्शन है उसमें टॉपिक आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले है वायरिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ, यहाँ पर देख सकते हैं इक्विपमेंट इंक्लूडिंग हाउस है वायरिंग, इसके बाद है चार्जिंग बैटरीज, देन मेंटेनेंस ऑफ ए इलेक्ट्रिक मशीनरी हेल्ड इन वर्कशॉप, उसके बाद है सिंपल इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशंस, देन मेजरिंग एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, फिर है आपका इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ए जनरेशंस, और उसके बाद है आपका जनरल नॉलेज। ये सभी आपको जो टॉपिक है वो तैयार करने हैं, अगर इनको अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं तो सिलेक्शन आपका बिल्कुल कन्फर्म है। ओके तो जानकारी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, और यहाँ पर अगर फॉर्म आप अप्लाई करने वाले हैं तो फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, कितनी फीस कैसे पे करनी है, डॉक्यूमेंट कैसे लगाने हैं, फॉर्म कहाँ पर भेजना है, इन सब के ऊपर वीडियो अवेलेबल है जो कि चैनल पर आप सभी जाकर देख सकते हैं। ओके तो आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।